हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस साइड रश्मि और आज है 15 दिसंबर 2020। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट है उसको लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, RTGS सर्विस विल बी अवेलेबल 24/7 एज अनाउंसमेंट बाई RBI हेड। वट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट कुड बी ट्रांजेक्ट थ्रू RTGS? देखिए, अभी RTGS सर्विस जो है वो 24/7 अवेलेबल करवाया जा रहा है, जैसा कि RBI के हेड शशिकांत दास ने कहा है। तो आपसे क्वेश्चन है कि वट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट कुड बी ट्रांजेक्ट थ्रू RTGS? तो कितना मिनिमम अमाउंट है? ₹2, ₹200, ₹20,000, ₹2 लाख। तो प्लीज़ इसका आंसर दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ₹2 लाख। जी हाँ, RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है उसको समझते हैं, और वो NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से कैसे डिफरेंट है। देखिए, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसा कि नाम कह रहा है, रियल टाइम यानी अभी पैसे ट्रांजेक्ट होंगे। अगर आप अभी जाओगे तो अभी ट्रांजेक्ट होंगे, और इसमें बिग ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख से स्टार्ट होता है, यानी ये मेनली बिजनेस पर्पस के लिए है और इसीलिए इसमें कोई सीलिंग नहीं होती। सीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बैंक जो हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सीलिंग लगा देते हैं, लेकिन RTGS जो है उसमें कोई ऐसा मैक्सिमम सीलिंग नहीं है। आप कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो लिया जाता है RTGS में, NEFT में फ्री कर दिया गया है, ठीक है। और NEFT दिसंबर 2019 में 24/7 भी प्रोवाइड किया गया जा रहा है, तो आपको तो पता ही होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं RTGS। तो RTGS में जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो बैंक पे डिपेंड है, और 2 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर आप ट्रांजेक्ट कर रहे हो तो ₹24.50, और अगर आप 5 लाख से अधिक ट्रांजेक्ट कर रहे हो तो ₹49.50। और ये RTGS कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2004 में। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ताकि ट्रांजेक्शन फास्टर हो और ह्यूज अमाउंट जो हो वो जल्दी से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए। और इसमें ग्रॉस सेटलमेंट है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आपने अभी पैसा ट्रांजेक्ट करने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट किया तो बैंक उसी टाइम आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर देगी, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल। लेकिन NEFT में क्या होता था? बैच पे ट्रांसफ़र होता था, आपके साथ बहुत सारे लोगों का पैसा ट्रांसफ़र होता था। क्वेश्चन नंबर 2, RBI कम अप टू सेटअप एन ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर एट। RBI जो है वो बैंक प्रोसेसिंग सेंटर बनाने वाली है, वो भी ऑटोमेटेड ऑटोमेटिकल। तो वो कहाँ बनाने वाली है? जयपुर राजस्थान, नोएडा यूपी, नासिक महाराष्ट्र, पटना बिहार। तो RBI जो है वो ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर बनाने वाली है, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान में। अब ये क्या है? देखिए, ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर का मतलब है कि बैंक के जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटेड होगा। तो बैंक का प्रोसेसिंग तो ऑटोमेटेड है, लेकिन ये किस पर्पज़ से है? यहाँ पे रिसिप्ट और जो फ्रेश बैंक नोट होते हैं उसको रखा जाएगा, और जो भी नोट ख़राब हो गए हैं उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड किया जाएगा, और जो भी बैंक में प्रिंट करके पैसे आएंगे उनको प्रॉपरली करेंसी चेस्ट जो होते हैं, हर बैंक में होते हैं करेंसी चेस्ट, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। अभी तक इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, आपको बताना है वो कहाँ कहाँ है। नासिक महाराष्ट्र में है, देवास यानी मध्य प्रदेश में है, सालबोनी वेस्ट बंगाल में है, और मैसूर कर्नाटका में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैटिक न्यूज़ है। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि क्वाल मिंटेड कहाँ है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। तो ये 4 सेंटर हैं जहाँ पे क्वाइन मिंट किया जाता है, ठीक है। और RBI रिस्पॉन्सिबल है रुपीज़ के मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस हैज़ कोलेबरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इन एनर्जी स्टोरेज? इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने एक MOU साइन किया है
किस के साथ, ताकि एनर्जी को प्रॉपरली स्टोरेज किया जा सके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक डील साइन कर रहे हैं ताकि जो एनर्जी हो प्रॉपरली स्टोरेज हो। और आप मुझे बताइए कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, वो मनाया जाता है 14th December। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020? पोस्थोमसली। अभी हाल में TIE यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ हैदराबाद में, और वहाँ पे कुछ अवार्ड दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पोस्थोमसली किसे दिया गया है? डॉक्टर BN रॉय, प्रणब मुखर्जी, FC कोहली, मुकेश अंबानी। तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, FC कोहली। FC कोहली बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, उनको फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री कहा जाता है। जी हाँ, वो TCS के CEO रह चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन IT सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 एक्चुअली बिलगेट को दिया गया है, और इन्हें जो अवार्ड दिया गया उसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पोस्थोमसली, यानी मरने के बाद जो व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखिएगा। और FC कोहली है फादर ऑफ इंडियन IT। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च $9 बिलियन टू एसेस वैक्सीन इन एशिया पैसिफिक रीजन? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इश्यू है, और किस तरह से इसको वैक्सीन दिया जाए हर कंट्री को, तो उसी लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फंड दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने $9 बिलियन दिया है एशिया पैसिफिक रीजन को? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WHO, यूनिसेफ। तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और किसके अंतर्गत दिया गया है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैसिलिटी के अंतर्गत दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट है मसाता सुगो अस्कावा, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर 2020 गोज टू राजकुमार झा फॉर द सिटी एंड द सी, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट, अ सुटेबल बॉय, द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अभी हाल में रविन्द्रनाथ टैगोर प्राइज दिया गया है राजकुमार झा को, आपको बताना है किस नोबेल के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सिटी एंड द सी। ये जो नोबेल है वो बेस्ड है निर्भया मर्डर केस से रिलेटेड है, और इसीलिए इनको दिया गया है राजकुमार झा, जो कि बहुत ही रिनाउंड एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जो कि लिखा गया था मैरी के लुकास, जिनको अभी हाल में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। देखिए, सिटी एंड द सी जो बुक है वो बेस्ड है निर्भया रेप केस पे, और इसके जो राइटर हैं राजकुमार झा, उनको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड। एक्चुअली ये कोई अवार्ड गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, ये एक US बेस्ड NGO है मैत्रीय पब्लिशिंग, उसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी इज मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स? हांगकॉन्ग, लंदन, सिंगापुर, बैंगलोर। अभी हाल में मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के द्वारा, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। देखिए, हर इंडेक्स, हर अपॉइंटमेंट और हर डे इम्पॉर्टेंट नहीं होता एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम पास है तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कवर किया गया है। जिनका भी पास एग्ज़ाम है वो इसको ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कम अप विथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, UPSC, इंडियन रेलवे, DSSB, SSC। आपको बताना है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
कौन सी बॉडी ला रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ओएफसी यानी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी बिटवीन लक्षद्वीप आइलैंड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो अभी हाल में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी लगाई जा रही है लक्षद्वीप और किस सिटी के बीच में? चेन्नई, कन्नौर, कोची, कोचिकूर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची। देखिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का डिटेल वीडियो अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड और उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज साइंड MOU विद विच कंपनी रिसेंटली टू इनेबल बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इन मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी हाल में CII ने एक MOU साइन किया है, किसके लिए? मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस में ई कॉमर्स के आने के लिए। तो कौन सी कंपनी के साथ साइन किया है? फ्लिपकार्ट, माइंत्रा, अमेजोन, फाइवर टू, fashion.com। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। जी हाँ, अमेजन के साथ ये डील साइन किया गया है ताकि ई कॉमर्स को मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में लाया जाए। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था 14 दिसंबर का, लक्षद्वीप कम अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? तो इसका आंसर है ए, केरला। थैंक यू स्टाइलिस्ट रुद्राक्ष एंड भानु यादव टू गिव द करेक्ट आंसर। एंड आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच इंडियन शूटर हैज़ ओन गोल्ड रिसेंटली इन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप? कौन जीता है आपको बताना है गोल्ड, ठीक है? तो प्लीज़ इसका आंसर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।